और अब 25 सेकंड में खबर। आज कटनी के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, श्री हरिहर तीर्थ का करेंगे भूमि पूजन, 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा करेंगे स्थापित, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, जबलपुर से करेंगे प्रियंका गांधी विजय शंखनाद, 2023 रैली का शुभारंभ, मां नर्मदा का पूजन और महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी प्रियंका गांधी। दमोह में गंगा जमुना स्कूल विवाद में प्रिंसिपल समेत तीन को भेजा गया जेल, गिरफ्तार किया गया, सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 13,000 मानदेय, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 5 लाख तक का हेल्थ और बीमा दुर्घटना बीमा। कांग्रेस को टिकट को लेकर कांग्रेस का नया फॉर्मूला, सिर्फ पावरफुल दावेदारों को मिलेगा मौका, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान, रावण से की संघ की तुलना। इंदौर में पंडोखर सरकार ने बनाया जीतू पटवारी का पर्चा, 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा, समर्थकों ने लगाई थी अर्जी। राजगढ़ में प्रेमी की जमकर धुनाई, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। जबलपुर में परिजनों ने जीवित बेटी का किया पिंडदान और मृत्यु भोज, छपवाया शोक संदेश का कार्ड, लड़की ने मुस्लिम लड़के से की है शादी। हरदा में खुदकुशी से पहले किसान का आखिरी वीडियो आया सामने, कर्ज का बताया हिसाब किताब, बेटे से बोला जमीन बेचकर कर्जा चुका देना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एकांतवास में जाने के ऐलान से शिवरंजनी दुखी, बोली बालाजी सरकार कराएंगे मुलाकात, 16 जून तक बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है शिवरंजनी। बुरहानपुर में बस चालक से बदमाशों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दतिया में पुरानी रंजिश में फायरिंग, कुछ लोगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 4 गिरफ्तार। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री को लिखा पत्र, बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना से जोड़ने की मांग। रायपुर में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज, सोशल मीडिया और बूथ मैनेजमेंट को लेकर दिए टिप्स, जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के निर्देश। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रायपुर में नया भारत उत्सव का आयोजन, भाटापारा में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आमसभा को संबोधित किया, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा 15 साल से बीजेपी ने सिर्फ बरगलाकर वोट लिया। अजय चंद्राकर ने नंदकुमार साय पर साधा निशाना, कहा मुझे साय जी की इज्जत की चिंता, उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने दांव पर लगा दी अपनी इज्जत। रायपुर में दिनदहाड़े चली करिश्मा अपार्टमेंट में गोली, इलाके में मची अफरा तफरी, पुलिस और एफएसएल की टीम पड़ताल में जुटी। कोंडा गांव में 123 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए गांजे की कीमत 12 लाख से ज्यादा। राजनांदगांव में एक्शन में पुलिस, अपराध पर रोक लगाने की मुहिम, ग्रामीण इलाकों में लगाए गए 12 सीसीटीवी कैमरे। दुर्ग में अवैध कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, 40 से ज्यादा जगहों पर छापे की कार्रवाई, 22 लोग गिरफ्तार, लाखों का कबाड़ जब्त। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया जनजाति राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को मेडल, आवासीय तीरंदाजी और एथलेटिक्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने जीते पदक, सीएम ने दी बधाई। नीतीश कुमार नहीं है पीएम पद के उम्मीदवार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, 2024 के चुनाव के बाद होगा प्रधानमंत्री का चयन।